प्रेज द लॉर्ड, आप सबको स्वागत है ऑट्स ऑफ मन्ना चैनल में। परमेश्वर महान है और अद्भुत है और हमें पता है प्रियो, आज का दिन यहोवा ने बनाया, इसलिए हम इसमें मग्न और आनंदित हैं। प्रियो, वचन में ऐसा लिखा गया है, अगर हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 5 अध्याय और उसका 32 पद को, ऐसा लिखा हुआ है, इसीलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना, ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। प्रियो, जो भी परिस्थिति हो जाए, यीशु के संग चलते रहिए, क्योंकि आपको जरूर पुरस्कार मिलेगा। प्रियो, आइए वचन सुनने से पहले हम उस परमेश्वर की महिमा और आराधना करें। यीशु के पीछे मैं चलूंगा, यीशु के पीछे चाहे कोई माने चाहे अन माने, चाहे कोई माने चाहे अन माने, मैं चलूंगा यीशु के पीछे। क्या तुम चलोगे यीशु के पीछे? उसका कलाम ही दिल में रख कर सबको मैं सुनाऊंगा, हर एक बात जो उसने बताई उनको ना मैं भूलूंगा। जब तक सांसों में सांसें हैं मेरी, जब तक सांसों में सांसे है मेरी, उसके लिए जीऊंगा, उसके लिए जीऊंगा। चाहे कोई रोके चाहे कोई रोके, मैं चलूंगा यीशु के पीछे। क्या तुम चलोगे यीशु के पीछे? चाहे कोई माने चाहे अन माने, चाहे कोई माने चाहे अन माने, मैं चलूंगा यीशु के पीछे। क्या तुम चलोगे यीशु के पीछे? से नयन
से नयन, चाहे कोई रोके चाहे कोई टोके, चाहे कोई रोके चाहे कोई टोके, मैं चलूंगा यीशु के पीछे। क्या तुम चलोगे यीशु के पीछे? चाहे कोई माने चाहे अन माने, चाहे कोई माने चाहे अन माने, मैं चलूंगा यीशु के पीछे। क्या तुम चलोगे यीशु के पीछे? मैं चलूंगा यीशु के पीछे। क्या तुम चलोगे यीशु के पीछे? आइए प्रियो हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं महान सामर्थ्य परमेश्वर, आप अद्भुत हैं, आप महान है प्रभु। You are an unchanging God. आप यहोवा कभी बदलते नहीं है। इस घड़ी समय प्रभु हम जब त्रिदास से वचन सुनने जा रहे हैं, त्रिदास को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जितने मेरे प्रिय लोग ओ प्रभु इस चैनल को देख रहे हैं, सबको ब्लेस कीजिएगा, ऐसा हम दुआ करते हैं। ये पूरा समय आपके हाथों में हम समर्पित करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। Praise the Lord, Hallelujah! Welcome to the Odds of Manna. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की संध्या के समय के लिए। हम सबों को एक सुयोग दिया कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, ढेर सारे बातों को सीखें। Hallelujah! धन्यवाद देते हैं आप सबों के सपोर्ट के लिए, प्रार्थना के लिए, दुआ के लिए जो इस चैनल के लिए कर रहे हैं और हम परमेश्वर के वचन को इसमें लाने पा रहे हैं। Hallelujah! आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाने से पहले छोटी सी दुआ करें। सर्वसामर्थ्य सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, तेरी जय जयकार हो लॉर्ड, तेरी स्तुति महिमा प्रशंसा हो प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आप प्रभु हमसे वचनों के दर से बातें कर रहे हैं प्रभु जी, ढेर सारी बातों को सिखा रहे हैं आज भी प्रभु जी। हमारे आत्मिक कान को प्रभु परमेश्वर पिता शार्पन कर, खोल, ताकि प्रभु जी हम सब कोई प्रभु जी तेरे वचन के रहस्य में बातों को समझने पाए, जानने पाए और परमेश्वर पिता गुत्थियाँ सब खुलने पाए। प्रभु जी हम भी अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। हमारे मुख से हो कि परमेश्वर पिता पूरे लोगों से आप बॉडी ऑफ क्राइस्ट से बातें कीजिए प्रभु जी, कलीसिया से बातें कीजिए प्रभु जी, आपके राज्य के संतानों से बातें कीजिए प्रभु, यीशु के नाम से मांगते सुनिए, अदैसे स्वराज्य में ग्रहण कीजिए, आमेन, आमेन, हालेलुया। सो हम लोग एक सीरीज में जा रहे हैं जिसमें हम लोग पैरेबल्स ऑफ जीसस यानी यीशु मसीह का कहवा दृष्टांत जो है उसके ऊपर में चर्चा कर रहे हैं और आज पार्ट 4 है। और जिस थीम में मैं बात करने को जा रहा हूं वो है प्रोडिगल सन यानी उड़ाऊ पुत्र। और हम लोग उड़ाऊ पुत्र जो है इसके विषय में हर एक कोई वाकिफ है, क्योंकि हम लोगों को कलीसिया में इसे संडे स्कूल में बाखूबी इसको हम लोग सिखाया जाता है और बच्चा बच्चा हर एक संडे स्कूल बच्चे को अगर आप पूछेंगे उड़ाऊ पुत्र के विषय में तो बहुत अच्छी तरह से इसका कहानी को बताएगा। और बहुत ही सरल तरीके से ये लिखा हुआ है, लेकिन जितना सरल है उतना ही गहरा है। हालेलुया, प्रेज गॉड। जब उड़ाऊ पुत्र के विषय में इस घटना को हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे अंदर में एक बात आती है कि ये उड़ाऊ पुत्र जो है ये कलीसिया के लोगों के लिए, जो लोग उद्धार पाए हुए हैं उनके लिए नहीं लिखा गया है। वे तो उनके लिए लिखा गया है जो मसीह नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, यीशु को ग्रहण नहीं किए हैं, उनके लिए ये दृष्टांत कही गई है ऐसा हमको लगता है। लेकिन हम इसको आज स्टडी करेंगे और देखेंगे कि ये उद्धार पाए हुए लोगों के लिए लिखा गया है, जो लोग यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं, जो लोग परमेश्वर के राज्य के अंदर के लोग हैं उनके लिए, और उनके साथ क्या घटना हो सकती है और कैसा होता है वो घटना, उसके विषय में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। यानी अगर आज आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं तो परमेश्वर के राज्य में हैं, परमेश्वर के संतान हैं, वो आपका पिता है। हालेलुया। तो आज आपके और मेरे लिए ये उड़ाऊ पुत्र के विषय में जो बातें हैं यहाँ पर लिखी गई हैं। इसमें चार जो खास कैरेक्टर है उसको हमको देखने की आवश्यकता है। और पहला जो कैरेक्टर है वो है पिता, और ये पिता है ये राजा भी है। और हम लोग किंगडम का सीरीज में हम लोग देखे पिता परमेश्वर जो है वो राजा है, राजाओं का राजा है, वो परमेश्वर है, उसके विषय में यहां पर लिख रहा है। ये कैरेक्टर है। दूसरा जो है
उसके दो बेटे हैं, उसका एक पहला बेटा जो बड़ा बेटा है वो एक कैरेक्टर को दर्शा रहा है, उसका एक सोच विचार है, उसका एक मेंटालिटी है, उसके विषय में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और एक छोटा बेटा है, उसका एक सोच विचार है, उसका एक माइंडसेट है, उसका एक मेंटालिटी है। फिर और एक ग्रुप है जो कि नौकर लोग हैं या तो दास लोग हैं, जिनको लेबर चार्ज दिया जाता है या तो बंधुआ मजदूर के रूप में बोल सकते हैं। ये एक कैटेगरी है, इनका एक सोच विचार है जिसको कि हम लोग नजरअंदाज करते हैं इस दृष्टांत में। हालेलुया। तो आइए इस दृष्टांत को हम लोग पूरा तो मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन कुछ दूर तक हम लोग पढ़ेंगे। लोग लुका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 11 से लेकर 32 में ये लिखा हुआ है। आइए कुछ आयतों को हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। बस तो हम लोग देखते हैं कि दो बेटे हैं। छोटा वाला बेटा अपने बाप से अपना संपत्ति का अधिकार के रूप में वो मांगता है और कुछ दिनों के बाद समेट कर दूर देश चला जाता है। ये पॉइंट को नोट कीजिएगा, दूर देश। हालेलुया, है ना, फार कंट्री। सो दूर देश चला जाता है और वहां पर कुकर्म में सारा संपत्ति दौलत उड़ा देता है। और जब सब कुछ लूट चुका होता है उस देश में अकाल भी होता है। अकाल के टाइम में वो एक व्यक्ति के पास में जाता है जहाँ पर नौकरी खोजने के लिए, और वहाँ पर उसे सुअर चराने का काम मिलता है और सुअर लोग जो खाते हैं वो खाने के लिए उनको दिया जाता है। और उसके बाद वहाँ पर नीचे पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, जब वो अपने आपे में आया, होश ठिकाने आ गए कि मेरा हालत क्या है, तो वो अपने नजरें उठाई, सोचा, विचार किया और वो अपने पिता को याद करने लगा कि उसके घर में उसके नौकर लोग कैसे रहते हैं। इन तमाम बातों को देखेंगे और वो कहता है कि मैं जाऊंगा अपने पिता के पास में और कहूंगा, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरे विरुद्ध मैंने पाप किया है। इसको भी देखेंगे, स्वर्ग के विरुद्ध और तेरे विरुद्ध पाप किया है, उसका मतलब क्या होता है। स्वर्ग के विरुद्ध और तेरे विरुद्ध, पिता के विरुद्ध, पिता ही तो स्वर्ग में है, फिर दो चीज क्यों लिखता है यहाँ पर। इन तमाम बातों को भी हम लोग देखेंगे। और मैं कहूंगा मुझे नौकर के समान रख ले, ऐसे करके नीचे घटनाएं हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा और आप लोग इस घटना से वाकिफ हैं। यहाँ जो कहानी है इसको हम लोग धीरे धीरे करके देखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैंने क्यों कहा कि ये जो दृष्टांत है ये नॉन क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं लिखा गया है, लेकिन मसीह लोगों के लिए लिखा गया है, जो लोग परमेश्वर के राज में है, जो लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं, परमेश्वर के राज के अंदर के लोगों के लिए है। हालेलुया, प्रेज गॉड। इसलिए मैंने कहा कि क्योंकि यहां पर एक चीज लिखा हुआ है, क्योंकि दोनों पिता के घर में है। ये पॉइंट को नोट कीजिएगा, पिता के घर में है, ऑलरेडी पिता के घर में है। कौन पिता के घर में है? पुत्र। कौन? जो उद्धार पाया है, जो अपना 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 वो नया जन्म को प्राप्त किया है, परमेश्वर के राज को देखा है। हालेलुया, जो कि जुहाना उसका 3 अध्याय उसका 3 और 5 में हम लोग देखते हैं, जो नए सिरे से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज को नहीं देख सकता, जो जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता है। ये तमाम बातें जो वहां पर लिखी गई है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि पिता के घर में रहने का मतलब हुआ है कि परमेश्वर के राज के अंदर में है ये लोग। और ये पिता जो है इसको हम लोग दूसरा नाम से पुकारते हैं किंगडम सीरीज में, जिसको हम लोग राजा बोले हैं। तो ये जो पिता जो है ये स्वयं राजा भी है, पर राजा है और उसका राज के विषय में लिखा हुआ है। और ये दो जो बेटे हैं, दो कैरेक्टर हैं, बेटे के होने के साथ साथ ये लोग नागरिक हो जाते हैं। मैंने बताया है कैसे, इफिसी उसका 2:19 में आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं। यहां पर देखिए क्या लिखता हुआ, अंग्रेजी में और क्लियर आपको मिलेगा। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी, देश का बात बोल रहा है यहां पर, और परमेश्वर के घर आने के हो गए हो। तो दो शब्द इस्तेमाल किया गया, स्वदेशी मतलब जो होता है देश के अंदर, राज को बताता है। तो राज को बताता है तो राजा का संदर्भ में हम लोग आते हैं। फिर परमेश्वर के घराने के हो गए हो, जब घराने के बात बोलते हैं तो घराने में इसी राजा को हम लोग पिता बोलते हैं। किस घराने के हो?
तुम्हारा पिता कौन है, ऐसे बात करें हम लोग, किस राज्य के हो, तेरा राजा कौन है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो यहां पर यह वचन साफ साफ क्लियर कर रहा है कि जब स्वदेशी बोलते हैं तो किस संदर्भ में बात कर रहा है, किंगडम, राज्य के संदर्भ में। तो वहां पर आएगा कौन, राजा आएगा और नागरिक लोग आएंगे। लेकिन जब परमेश्वर के घराने के हो गए हो बोलता है, तो घराना का जब बात करते हैं तो पिता का संदर्भ में हम लोग देखेंगे उसको, उसी राजा को। और हम लोग कौन सा संदर्भ में आएंगे, किस तरह से हमको देखा जाएगा, पुत्र के जैसा। तो इसीलिए यहां पर जो दृष्टांत में पिता कहा है, यही पिता राजा भी है। और दो पुत्र हैं, बड़ा और छोटा है, ये उदाहरण देने के लिए बड़ा और छोटा यहां पर लिखा हुआ है। हालेलुया, ओके। और भी पुत्र का उदाहरण दे सकता था, लेकिन दो कैरेक्टर को लाके यहां पर बता रहा है, यानी ये दोनों नागरिक भी है। ये दोनों नागरिक जो हैं, इनका सोच विचार, इनका मेंटालिटी डिफरेंट है ये लोग। उसके साथ में इस घर में नौकर लोग हैं, उनका भी हम लोग, उसके साथ में भी जो कारोबार होता है, जो दास लोग हैं क्या होता है, उसको भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। प्रेज गॉड। सो ये लोग परमेश्वर के राज्य के लोगों के विषय में बता रहा है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि ये जो अलग अलग कैरेक्टर जो दिखा रहा है, वहां पर देखिए, ये दोनों जो नागरिक हैं या तो दोनों जो पुत्र हैं, राजा जो पिता है उनका, उसका पूरी रीति से, उसका माइंड से परमेश्वर जो जिस तरह सोचता है, राजा जिस तरह से सोच विचार रखता है, पूरी रीति से लोग वाकिफ नहीं है। पुत्र तो हैं, नागरिक तो हैं, लेकिन पूरी रीति से यही राजा, ये जो पिता है इस घटना में, इस कहानी में, उन लोग राजा का सोच विचार, थिंकिंग, माइंडसेट को पूरी रीति से नहीं पकड़ने पाए हैं। भले ही पुत्र हैं, आज ऐसे ही कैसे नहीं पकड़ने पाए हैं, नीचे देखेंगे हम लोग। ऐसे ही हम लोग परमेश्वर के राज्य में हैं, उसके संतान हो गए हैं, वो हमारा पिता है, साथ में हमारा राजा है, हम नागरिक हैं, लेकिन हमारा राजा का जो माइंडसेट है, सोच विचार है, थिंकिंग है, उसको पूरी रीति से हम लोग कैप्चर नहीं करने पाए हैं। जब कैप्चर नहीं करने पाते हैं, तो दो लड़कों का जो कैरेक्टर है, वो दो लड़कों का कैरेक्टर वो दिखाई देगा हमारे अंदर। तो आइए हम लोग आगे देखेंगे कि दो लड़कों में पहला वाला जो बेटा है, उसका एक कैरेक्टर देख रहे हैं, उसका एक अच्छा कैरेक्टर को देख रहे हैं, या तो अच्छा हरकत को देख रहे हैं। वो अच्छा हरकत जो है ना, वो बड़ा लड़का में नहीं दिखाई देता है, उसका माइंडसेट अलग है, वो भी पुत्र है, वो भी नागरिक है। लेकिन ये जो नागरिक है, जो छोटा बेटा है, वो क्या कहता है अपने पिता से, राजा से सीधा बोलता है, मेरा जो भाग बनता है आप मुझे दे दीजिए। कितना आसान से, जो कि हम लोग किंगडम सिटीजंस में, मैंने आप लोगों को क्लास में मैंने बताया था, हमने टीच किया था कि राज्य में, एक देश में नागरिक होते हैं, नागरिक लोगों का अपना अधिकार होता है। अगर अधिकार को ही नहीं जानेंगे, तो अधिकार को इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो बहुत सारे बेनिफिट से वंचित होंगे। लेकिन ये बंदा अधिकार को इस्तेमाल करता है और बोलता है, मेरा जो भाग होता है आप दे दीजिए, और तुरंत दे देता है, बंटवारा कर देता है, साफ साफ यहां देख रहा है, कोई आनाकानी नहीं, क्योंकि जो अधिकार को उसने इस्तेमाल किया, मुझे दे, सिंपल, मांगो तो दिया जाएगा। हालेलुया। सो मांगता है, लेकिन यहां पर इसका भूल क्या हुआ है, वचन हम लोग को बता रहा है कि ये अपना धन संपत्ति को इकट्ठा करके दूर देश चला गया, ऐसे लिखता हुआ है, फार कंट्री, यानी पिता के घर, यानी किंगडम इन्फ्लुएंस से दूर हो गया। राज का, परमेश्वर का राज का जो असर था, जो बाउंड्री लाइन था, जो असर था, उस असर के बाहर चला गया। वो मांगा, अधिकार के लिए इस्तेमाल किया, वहां तक ठीक है, लेकिन क्या किया, वो साधारण संपत्ति को लेके, वो किंगडम का इन्फ्लुएंस, राज का जो असर है इस धरती में आज जो है, जिसको इतना सीरीज में हमने बताया, उस राज का असर से बाहर चला गया, राजा का अधिकार क्षेत्र से बाहर चला गया, या तो राजा का ऑथोरिटी के अंदर में नहीं रहा, पिता का अधिकार के अंदर में नहीं रहा। आदम भी यही किया, आदम और हवा दोनों यही किए, वो लोग विद्रोह किए, वो लोग उनके अधिकार में नहीं रहे, पिता के, परमेश्वर के अधिकार में बाहर चला गया, सब कुछ लूट गया उनका। अब ये बंदा भी भूल यही करता है कि वो इन्फ्लुएंस से, असर से, राज का असर से बाहर चला गया, फार कंट्री, पिता का घर एक देश है, और फार कंट्री, दूर देश, ओके, वहां पर चला गया। तो दूर देश
जब पिता के घर से बाहर चला गया तो वहां का असर में आया, वहां का असर जो वर्ल्ड सिस्टम है, संसार की रीति विधि है, उसमें संसार का सोच विचार है। और जैसे राज का असर से बाहर चला गया तो संसार के असर में आ गया, जो संसार को और एक राजा चला रहा है वो है शैतान, उसका असर में आ गया और उस संसार का सिस्टम को, संसार का विचार को वो क्या किया, एक्वायर किया, उसके माइंडसेट में घुस गया, वो संसार का सोच विचार घुस गया, राज का सोच विचार आउट हो गया। ओके, रिप्लेसमेंट हो रहा है। तो इसलिए बहुत खतरा रहता है कि हम लोग परमेश्वर के राज में रहते हैं और ये हो सकता है कि हम लोग परमेश्वर के राज का असर से थोड़ा सा हट जाएं और संसार का सोच विचार हमारे अंदर घुस जाए। इसीलिए तो वचन कहता है, रोमियो के पुस्तक उसका 12:2 में पढ़ रहा हूं आपके लिए, इस संसार के सदृश ना बनो। अंग्रेजी बाइबल अब क्लियर करती है, इस संसार के जैसा मत सोचो, है ना, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। तो हम लोग यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, हमारा आत्मा नया हो जाता है, लेकिन हमारा प्राण प्रतिदिन नया होता है, प्राण यानी सोच विचार। तो इस सोच विचार का उद्धार प्रतिदिन हमारे जीवन में होता है। इसीलिए बोलता है संसार के समान मत सोचो, वर्ल्ड सिस्टम के हिसाब से मत सोचो, राज्य के सिस्टम के हिसाब से सोचो, परमेश्वर के राज्य के सिस्टम के हिसाब से सोचो। जब तुम्हारा मन नया होते जाएगा तो क्या बोलता है, तुम्हारा हरकत चेंज होंगे, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। इससे क्या होगा, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ, जिससे तुम राजा का, है ना, भली और भावती और सिद्ध, परफेक्ट सिद्ध इच्छा में चलना बहुत तगड़ा रहता है हमारे जीवन में। वो क्या करता है, सिद्ध इच्छा में चलना हमारा जीवन को जबरदस्त असरदार बनाता है। कैसे, यीशु मसीह के समान, यीशु मसीह परमेश्वर पिता के सिद्ध इच्छा में चला, है ना, राजाओं के राजा के सिद्ध इच्छा में चला। उसने कहा था जैसे मेरा पिता मेरे लिए राज ठहराया, हालेलुया, उसी तरह से मैं तुम्हारा राज ठहराता हूं, यीशु मसीह ने कहा है। तो पिता परमेश्वर स्वयं राजा है, एक राज दिया यीशु मसीह को और सिद्ध इच्छा को पिता का जानता था, राजा का सिद्ध इच्छा को जानता था, यानी महाराज अधिराज का, और उसको फॉलो किया। यीशु मसीह इस धरती में एक असरदार जीवन को जिया है। प्रेज गॉड, आमेन, 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 हालेलुया। सो ये वर्ल्ड सिस्टम जो है, संसार का जो सिस्टम है और एक किंगडम का सिस्टम है, परमेश्वर का राज का सिस्टम है। जब परमेश्वर का राज के सिस्टम से हम बाहर, उस असर से बाहर आ जाते हैं, कैसे बाहर आते हैं एक्चुअली, ओके, हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए, उसके पुत्र हैं हम लोग, परमेश्वर के पुत्र हैं। फिर इस रिप्लेस कैसे होता है, रिप्लेस जिस जगह में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, वहीं पर हो सकता है। सिर्फ राज सिस्टम का सोच विचार को नहीं रख के संसार का सोच विचार को इसमें आने देना, हमारे सोच विचार में रिप्लेस हो जाएगा। जैसे रिप्लेस होगा वैसे राज का असर हमारे जीवन से घटेगा, ऐसे घटता है। तो सोच विचार के अनुसार हमारे जीवन में राज का असर, परमेश्वर का राज का सिस्टम बढ़ सकता है, हमारे सांसारिक सोच विचार के अनुसार परमेश्वर का राज का असर घट सकता है। तो यहां पर यही हुआ है, प्रेज गॉड, हालेलुया। इसको, इस दृष्टांत इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो ये संसार का जो सिस्टम है क्या करेगा, पूरा ड्रेन कर देगा आपको, किसे, आपका ताकत को चूस लेगा, आपका धन संपत्ति को चूस लेगा, आपका शांति को चूस लेगा, जो भी आपका धरोहर है, आत्मिक धरोहर है, उसको चूस लेगा, आपको दुबला पतला बना देगा, आपको कमजोर कर देगा। यहां पर क्या किया है, यहां पर ऐसा ही किया है, उसने चूस लिया, वर्ल्ड सिस्टम चूस लिया। पढ़ेंगे हम लोग लूका उसका 15:13-16 पद पढ़ेंगे क्या लिखता है। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। कुकर्म क्यों किया, कुकर्म कहां शुरू होता है, ओके, ये होता है, शुरू यहां से होता है। यीशु मसीह ने कहा यदि किसी ने अपने हृदय में किसी स्त्री को देख के व्यभिचार कर लिया, समझो गलत नजर डाला, तो व्यभिचार कर लिया बोलता है
अपने हृदय में भी विचार कर लिया, अगर नजरों से गलत तरीके से देखा उसको, ओके, इसका मतलब यहां पर दिमाग जब खराब होने लगता है तो कुकर्म की तरफ ले जाएगा। इसका अंदर में क्या हो गया, वर्ल्ड सिस्टम घुस रहा है और किंगडम सोच विचार वो जा रहा है, भाग रहा है उसके जीवन से, और इसके कारण से वो कुकर्म में अपने संपत्ति उड़ा दी। फिर क्या कहता है, जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया, इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहां जा पड़ा। हाँ, आप देखिए, एक पुत्र था राज में, एक राजा का जीवन था, और आज धीरे धीरे राज सिस्टम उसके दिमाग से जब चला जा रहा है तो वो क्या बन रहा है, दास बन रहा है, बंधुआ मजदूर बन जा रहा है, ओके, और इतना गया गुजरा हालत हो गया कि एकदम नीचे स्तर में चला गया कि वो सुअर चराने लगा। नीचे लिखा हुआ है, पढ़ेंगे, इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा, उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा, और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। इसीलिए परमेश्वर का राज के बाहर का जो असर है ना, वो बहुत, वो भी पावरफुल है, लेकिन क्या करेगा, पूरा कमजोर कर देगा, निचोड़ लेगा। इससे बेहतर क्या है, इससे सबसे अच्छा चीज क्या है कि हमारा किंगडम मेंटालिटी बढ़ते जाए और हमारे अंदर में परमेश्वर का राज का असर बढ़ते जाना चाहिए, वो फलवंत होते जाना चाहिए। प्रेज गॉड। तो आप चेक कीजिए कि संसार का सिस्टम दिमाग में घुस रहा है कि परमेश्वर का राज का सिस्टम जो है वो मेंटालिटी आपके अंदर में आ रहा है, और परमेश्वर का राज का ज्ञान ही नहीं रहेगा तो कहां से ये मेंटालिटी बढ़ेगा, ये सोच विचार बढ़ेगा। इसीलिए मत्ती 6:33 को हमने एक्सप्लेन किया इतने सारे, क्या, पहले उसकी राज और धार्मिकता की खोज करो, खोज करके सोच विचार में, मेंटालिटी में है कि नहीं, राज का मेंटालिटी रखो, सोच विचार रखो, ताकि राज का असर रहेगा तुम्हारे जीवन में, तब ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, बोलता है। प्रेज गॉड। और राज का मेंटालिटी जब चले जाएगी तो ये सब वस्तुएं चले भी जाएगी। ऊपर रिवर्स बता रहा हूं आपको, इसके पास में था सारा धन संपत्ति, स्ट्रेंथ था, ताकत था, राज का सिस्टम चला गया, संसार का सिस्टम दिमाग में घुस गया, जो था वो भी चला गया उसके पास। तो इसीलिए जब राज को खोजते हैं सब ऐड होता है, राज को नहीं खोजते हैं और वर्ल्ड का सिस्टम को खोजते हैं और वो घुसते रहता है, जो रहता है वो भी चला जाएगा। इसलिए बोला है, जिसे दिया गया है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है, जो कुछ थोड़ा मोड़ा बचा है, वो भी ले लिया जाएगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो दो स्टेटमेंट आप खास करके लिख सकते हैं, वो क्या है, वर्ल्ड सिस्टम विल मेक यू स्लेव एंड गिव यू द माइंड ऑफ ए स्लेव। संसार का जो सिस्टम है अगर उसमें चलेंगे तो वो आपको दास बना देगा और एक दास का माइंडसेट देगा आपको, दिमाग। लेकिन क्या बोलता है, किंगडम सिस्टम विल गिव यू द माइंड ऑफ ए किंग एंड विल मेक यू ए किंग। हालेलुया। कहने का मतलब, राज का सिस्टम में आप रहेंगे तो एक राजा का मन देगा आपको, एक राजा का मन देगा और राजा बना देगा आपको। Praise God, Amen, Hallelujah। एक राजा इस बात को लिखता है, वो स्वयं राजा है और बड़ा तगड़ा और मजबूत राजा है, ओके? और वो राजा जब इस बात को लिख रहा है तो सोचिए कि वो क्या बताना चाहता है। सब उपदेशक 10:7 में पढ़ रहा हूं आपके लिए, यहां पर इस तरह से लिखा हुआ है, मैंने दासों को घोड़ों पर चढ़े और रईसों को दासों के समान भूमि पर चलते हुए देखा है। अब देखिए, मैंने दासों को घोड़ों पर चढ़ते, घोड़े पर कौन लोग रहते हैं, चढ़ते राजा लोग चढ़ते, तो दास लोगों को मैं घोड़ा लोगों के घोड़ा के ऊपर में चढ़ते देखा हूं, बोलता है। लेकिन रईस जगह आप अंग्रेजी बाइबल में देखें तो वहां किंग लिखा हुआ है, लेकिन राजा लोगों को मैं दासों के समान भूमि पर चलते हुए देखा। अरे, राजा को घोड़ा के ऊपर में रहना चाहिए, वो भूमि में चल रहा है, और दास को कहाँ रहना चाहिए, वो भूमि में चलना चाहिए, वो घोड़ा में बैठ रहा है। ऐसा क्यों होता है, ये रिप्लेसमेंट क्यों हो रहा है? रिप्लेसमेंट इसलिए हो रहा है
कि जो दास है वो अपना सोच विचार को बदलता है, इसीलिए घोड़ा में बैठने पाता है वो, और जो राजा है धीरे धीरे उसका सोच विचार, राजा का सोच विचार हट जाता है तो वो दास बन जाता है और जमीन में चलेगा। आप जानते हैं आजकल तो राजा वाला सिस्टम सब चला गया, लेकिन आज भी इंग्लैंड में राज घराने के जो लोग हैं वो लोग शान और शौकत से रहते हैं। और एक राज घराने में बच्चा लोग जब पैदा होते हैं, राजा का बच्चा पैदा होता है, तो उसको ट्रेन किया जाता है, ट्रेनिंग में रखा जाता है। क्या क्या चीज से ट्रेनिंग दिया जाता है उसको हर राज घराने में। इवन हमारे इंग्लैंड में जो राज घराने में है ना, वहां पर भी परंपरा चलती हुई आई है, बच्चा लोगों को, छोटा बच्चा लोगों को जैसे बढ़ाएंगे है ना, तो उनको ट्रेनिंग ये दिया जाता है कि तुमको किसी के सामने, उनको ट्रेनिंग मैं बता रहा हूं क्यों माइंडसेट ऐसे होगा बोल के, तुमको किसी के सामने झुकना नहीं है। फिर खाने के टेबल में तुमको कैसे बैठना है वो भी बताएंगे। फिर उसको सिखाएंगे कि तुम राज घराने के हो, तुमको मांगना नहीं है किसी से, तुम भिखारी नहीं हो, तुमको मांगना नहीं है, जब मांगोगे तो तुम्हारा तौहीन होगा। इस प्रकार से लोगों को ट्रेन किया जाता है, ताकि ऐसे ट्रेन किया जाता है कि वो लोग का सोच विचार क्या होता है, राजा जैसे हो। जब तक सोच विचार ऐसे नहीं रहेगा तो उस प्रकार का जीवन शैली नहीं रहेगा, इसीलिए जीवन शैली ऐसे रहे बोल के माइंड में सबको डाला जाता है, ट्रेन किया जाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए ये दास लोग घोड़ा में इसलिए चढ़ने पाता है, सुलेमान बता रहा है, इसलिए मैं समझता हूं क्योंकि वो अपने आप को ट्रेन करता है और घोड़ा में का दर्शन देखता है और एक राजा के समान सोच विचार करता है, इसीलिए वो घोड़ा में बैठने पाता है। और एक राजा घोड़ा में ऑलरेडी बैठा हुआ है, वो व्यक्ति तो सोच विचार उसका चेंज होता है कि नहीं, और दास की तरफ चला जाता है तो उसको जमीन में चलना पड़ता है, ऐसे होता है बल्कि बोल रहा है। आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो छोटा बेटा है जब अपने आपे में आया तो क्या हो रहा है उसके साथ में, उस बात को देखेंगे, पढ़ेंगे लूका 15 उसका 17 पद क्या लिखता है यहाँ पर। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। हाँ, ये वचन वो जो मजदूर लोग थे उस उनका कुछ बात को यहाँ पर बता रहा है। ये तो छोटा बेटा के विषय में तो बता रहा है, लेकिन ये छोटा बेटा जो है उसी घर में जब था बेटा होके, तो उस घर में मजदूर लोगों भी देखा है, तो मजदूर लोग के साथ में एक चीज होता था उसको उसने देखा है, और जब अपने आपे में आया तो मजदूर लोग के साथ में क्या होता है उसको याद करता है। क्या होता है यहां पर, क्या लिखा है, मेरे पिता के कितने ही मजदूर जो भोजन से अधिक रोटी मिलती है, भोजन से अधिक रोटी मिलती है। मजदूर भोजन क्या है और रोटी क्या है, उन दिनों में इज़राइल में बंधुआ मजदूर लोग रहते थे, कुछ कुछ लोगों को स्लेव खरीद अपने आप को बिक्री भी कर देते थे, तो बंधुआ मजदूर लोग को जब भोजन दिया जाता था तो उनको जो नौकर लोग होते थे उनके लिए अलग भोजन रहता था, लेकिन उसी घर में जो बेटा बेटी लोग रहेंगे उनके लिए अलग भोजन रहता था। इनका भोजन और उनका भोजन में फर्क होता था, नौकर लोगों का भोजन, घर के जो मालिक के जो बच्चे लोग रहेंगे सेम भोजन नहीं रहता था। तो जो लोग बच्चे लोग रहते थे उनको जो भोजन दिया जाता था उनको रोटी बोला जाता था, रोटी बोला जाता था, और जो नौकर लोग जो खाते थे उसको भोजन के रूप में जब लेते थे, लेकिन वो भोजन भी कैसे रहता था, वो भोजन का एक मेजरमेंट रहता था, तुमको इतना दिया जाएगा, इसमें तेरा पेट भरे ना भरे और भूख लगे एक्स्ट्रा नहीं मांग सकते थे। लेकिन ये जो छोटा बेटा क्या याद कर रहा है कि मेरे घर में मजदूर लोग हैं, मेरे पिता के घर में वहां के मजदूर लोगों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, मतलब कि मेरे पिता के घर में राज का असर में ऐसा असर है कि एक नौकर, असल में ये जो मैं इसका प्रकाशन को दे रहा हूं आप लोगों को, ये लोग नौकर जो है मजदूर है
असल में ये लोग भी नागरिक हैं परमेश्वर के राज के, लेकिन ये लोग क्या है, उनका सोच विचार जो है, मैं एक रेफरेंस दूंगा आपको क्लियर हो जाएगा, राज के अंदर में है लेकिन उनका सोच विचार के अनुसार उन लोग मजदूर के, स्लेव के, बंधुआ मजदूर की गिनती में आ रहे हैं, लेकिन ये लोग भी परमेश्वर के राज के हैं। तो ये लोग परमेश्वर के राज में है तो उनको रोटी ही दिया जाएगा, भोजन नहीं दिया जाएगा जो नौकर लोगों को दिया जाता है। तो ये लोग इसीलिए परमेश्वर के राज के अंदर में है, इसीलिए इनका पिता जो राजा है इनको रोटी देता था भोजन से अधिक। मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए इसको, कि जो इवन जो मजदूर के सोच विचार में है, मतलब बेटा तो है राज परमेश्वर राज में पैदा हुआ है लेकिन उसका माइंड पूरा डेवलप नहीं हुआ है, ट्रेंड नहीं है, तो दास के रूप में गिना जा रहा है वो दास के रूप में। लेकिन खाने पीने की बात जब होती है तो उनको भोजन नहीं दिया जाता, उनको रोटी दिया जाता है। रोटी किनको? जो बेटों को दिया जाता था। इसका मतलब इनको भी सीखना था कि भाई हम लोग बेटे हैं, हम लोग का सोच विचार अगर बदलेंगे हम तो अधिकार इस्तेमाल करने पाएंगे, जैसे कि छोटा बेटा ने अधिकार को इस्तेमाल किया। बड़ा बेटा का जो है उसका भी कुछ कारबार है, आज्ञा मानता है, सब कुछ करता है, उसको बीच में देखेंगे, लेकिन अधिकार इस्तेमाल करना नहीं जाना था। इसीलिए परमेश्वर के राज्य में प्रभु बोलता है मैं तुम्हें स्वर्ग राज की कुंजियां दूंगा। यहां जो तीन कैरेक्टर है, छोटा बेटा के पास में कुछ कुंजी है, कुछ कुंजी नहीं है, बड़ा बेटा के पास में कुछ कुंजी है और कुछ कुंजियां नहीं है। यहां पर कुछ दास लोग हैं, भोजन से अधिक रोटी मिल रही है, बच्चा लोग को जो मिलता है वो वाला रोटी मिल रही है, लेकिन वहां तक संतुष्ट है, इसके ऊपर में ट्रेंड अप नहीं है, तो कुंजी इस्तेमाल नहीं करने पा रहे। अब देख रहे हैं कि परमेश्वर के राज्य के असर में तीन कैरेक्टर दिखाई दिया, तीनों लोग का हरकत सब अलग अलग दिखाई दे रहा है। छोटा बेटा अधिकार इस्तेमाल किया, ठीक किया, भूल क्या किया, वो राज का असर से बाहर चला गया दूर देश, ये भूल किया उसने। यहां पर मजदूर लोग हैं, उनको भोजन से अधिक रोटी मिल रही है, बच्चों का रोटी मिल रहा है, बेटों का रोटी मिल रहा है। ओके, आपने सुना है यीशु मसीह ने कहा चंगाई पाने के लिए उसमें एक एक, एक, एक सिरोफिन स्त्री आई और बोली कि मेरे घर में मेरी बेटी को चंगा कीजिए, वह अनजाति में से थी। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, लेकिन बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं दिया जाता। तो उसने बोला हे प्रभु कुत्ते लोग भी तो मालिक के टेबल के नीचे गिरे हुए चूर चार खाते हैं। विश्वास का चाबी लगा के ले गई। हालेलुया, यहां पर देख रहे हैं कि जो लोग मजदूर भी हैं तो उन लोग को कैसे संतुष्टि दिया है कि लोग रोटी खा रहे हैं। प्रेज गॉड। और मजदूर से हटकर, स्लेव से, बंधुआ मजदूर का दिमाग से हटकर, नौकरी वाला दिमाग से हटकर अगर राजा दिमाग रहेगा तो सोचिए कि और कितना संतुष्टि का जीवन परमेश्वर के राज के अंदर में हमारा होगा। हालेलुया, आमेन, है कि नहीं। और लास्ट में क्या बोलते हैं, मैं यहां भूखा मर रहा हूं। भूखा तो मरोगे, क्यों? क्योंकि पिता का घर को छोड़े हो, राज का असर से बाहर गए हो, राज का असर का बाहर जाओगे तो संसार का जो सिस्टम है वो निचोड़ लेगा, चूस लेगा। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जितने लोग आप लोग यीशु को ग्रहण किए हैं, देखिए कि किस प्रकार का सोच विचार में परमेश्वर के राज के अंदर में है। कुछ लोग प्रार्थना ही ऐसे करते हैं, इस तरह का प्रार्थना मत कीजिए। सुनने में अच्छा लगता है कि कितना दीन व्यक्ति, कितना नम्र व्यक्ति है। कैसे प्रार्थना करते हैं बहुत लोग, हे पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, मैं तो तेरे सामने कीड़ा हूं, मकोड़ा हूं, है ना, तेरे लायक नहीं हूं। ऐसे प्रार्थना करते हैं हम लोग, खुद को कीड़ा, खुद को मकोड़ा, जबकि वचन बोल रहा है तुम मेरे बच्चे हो, मेरे संतान हो। तो जो चीज आपके विषय में लिखा हुआ है उसको क्लेम नहीं करके, जो चीज नहीं लिखा हुआ उसको क्लेम कर रहे हैं। एक कीड़ा मकोड़ा वाला सोच विचार किसने दिया? क्या ऐसे बोलने से परमेश्वर खुश होता है? कहीं पर लिखा है ऐसे, ऐसे बोलोगे तो खुश होगा? ये सब नाटक हो जाता है। बोलिए पिता परमेश्वर, मैं तेरा संतान हूं, मैं यीशु मसीह में धर्मी हूं, मुझे तूने राज दिया है, यानी मुझे भी तूने राजा ठहराया है, तेरे सम्मुख आता हूं,
मुझे तूने आपने गवर्नर दिया है, मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा से सील किया है, मैं अधिकार के साथ मांगता हूं, घोषणा कीजिए। हालेलुया। ये क्या मैं कीड़ा हूं मकोड़ा हूं? कहीं पर नहीं लिखा कीड़ा मकोड़ा बोलो बोल के। प्रेज गॉड। यहां पर छोटा बेटा जब लौट कर आता है कुछ बोलने की कोशिश करता है, क्या बोलने की कोशिश करता है? पहले इस वचन को पढ़ेंगे। मैंने क्यों बोला कि यहां पर जो मजदूर लोग हैं वो लोग भी बेटा कहलाने के योग्य हैं, या तो बेटा ही हैं, लेकिन उनका सोच विचार के अनुसार ट्रेन नहीं हुए हैं लोग, इसीलिए उस घर में लोग मजदूर वर्ड यहां पर यूज किया गया है। लेकिन रोट क्या खा रहे हैं? लेकिन मजदूर का रोटी, मजदूर का भोजन नहीं खा रहे हैं, वो लोग रोटी खा रहे हैं, इफरत सैटिस्फाइड रूप में खा रहे हैं। आइए एक वचन को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। गलतियों के पुस्तक उसका 4:1-3, बड़े ध्यान से सुनिए क्या लिखता है। मैं यह कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, मैं यह कहता हूं वारिस जब तक बालक है, मतलब छोटा है, ट्रेंड नहीं है। ओके, हाँ, फिर यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, उसमें और दास में कोई भेद नहीं। अब देखें तो यहां जो दास लोग लिखा हुआ है, उनको भोजन नहीं दिया जाता था, नौकर वाला, उनको रोटी दिया जाता था, क्योंकि राज के अंदर में है, पिता का मेंटालिटी है रोटी देना। लेकिन ये लोग कौन सा पोजीशन में अपने आप को मूव कर रहे हैं? दास। क्यों? क्योंकि बालक हैं लोग, उनमें और दास में कोई फर्क नहीं, बोलता है वारिस हैं, अधिकारी हैं। लेकिन थोड़ा सा ऐसा आना था, कौन? छोटा बेटा का जो कैरेक्टर बता रहे, वो अधिकार को इस्तेमाल किया, लिया, भूल क्या किया, पिता के घर से, राज के सिस्टम से बाहर आके संसार का सिस्टम में घुस गया। आगे लिखिए क्या लिखता है। परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। हाँ, तो पिता के ठहराए हुए समय तक गवर्नर और ट्रेनिंग देने वाले, अंग्रेजी में से लिखा हुआ, उनके संरक्षण में रखा जाता, क्या? ताकि उनको वो लोग सिखाएं, उनका मेंटालिटी को चेंज करें, सोच विचार को चेंज करें। फिर क्या होता है? वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आधी शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। संसार का सिस्टम क्या बोल, संसार का आधी शिक्षा के कारण से क्या बोलते हैं? दास बन जाते हैं। इसका मतलब दास बनना, राजा बनना, सोच विचार के ऊपर में डिपेंड करता है, इंफॉर्मेशन के ऊपर में डिपेंड करता है, सच्चाई को भी समझ डिपेंड करता है। इसीलिए बोलता है और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। कहां? सोच विचार में, सच्चाई को जानोगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? उड़ाऊ पुत्र का विषय में आपने संडे स्कूल में पढ़ा है, लेकिन मैं समझता हूं आज कुछ नया जरूर सीख रहे होंगे आप। ये साधारण दृष्टांत नहीं है जो सीधा सीधा इस तरह से लिखा हुआ है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। तो संसार का आदि शिक्षा जब दूर होता है, रियल टीचिंग्स हमारे पास में आता है, शिक्षा आता है। इसीलिए परमेश्वर के राज को खोजो बोलता है, उस शिक्षा को खोजो, जानो ट्रुथ को जानो, ताकि तुम राजा के समान हरकत करने पाओ, राजा के मेंटालिटी में रहो। तब देखिए, क्योंकि अब क्या हुआ, संसारिक सिस्टम में घुस गया है तो उसका माइंडसेट पूरा चेंज हो चुका है। किसका? छोटा वाला बेटा का। देखिए उसका माइंडसेट क्या है और क्या बोल रहा है। लुका 15 उसका 18-19 पद क्या कहता है। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, बोलता है, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, क्योंकि आपे में आ गया। ओके, फिर और उससे कहूंगा, हाँ? कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। स्वर्ग के विरोध में पाप किया है, मतलब क्यों स्वर्ग के विरोध में पाप किया है? मतलब किंगडम का प्रिंसिपल को मैंने फॉलो नहीं किया। स्वर्ग राज के विषय में का विषय में एक्चुअली उड़ाव पुत्र का घटना है यहां पर। मैंने हेवनली किंगडम को, स्वर्गीय राज को, ओके, है, स्वर्ग के विरोध में किया हूं। स्वर्ग का जो प्रिंसिपल है, कहां, जो इतना सारा एपिसोड में हमने बताया ना आपको, तो ये सब इसके विरुद्ध में उसने खड़ा हो गया और वर्ल्ड सिस्टम का प्रिंसिपल को पकड़ लिया, संसारिक सिस्टम का प्रिंसिपल को पकड़ लिया। इसीलिए बोलता है स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। किसकी दृष्टि में? राजा के दृष्टि में पाप किया है। पिता कौन है? राजा है।
जब किंगडम के खिलाफ में जाएंगे तो ऑटोमेटिक राजा के खिलाफ में आप जा रहे हैं, राजा के खिलाफ में जा रहे हैं ऑटोमेटिक किंगडम के राज के खिलाफ में जा रहे हैं। तो इसीलिए राजा और स्वर्ग दोनों के खिलाफ में मैंने पाप किया है बोल रहा है। अब क्या करूंगा बोलता है, क्या बोलूंगा, अब इस योग्य नहीं रहा हाँ? कि तेरा पुत्र कहलाऊं हाँ? मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले हाँ? अब मैं ऐसे बोलूंगा मैं इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। और क्या बोलता है, मुझे मजदूर के समान रख ले, कम से कम मुझे रोटी मिल जाएगा। लेकिन अधिकार का पोजीशन में जाने के लिए हिचकिचाहट हो रहा है। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, पूरा जब नीचे पढ़ते हैं तो पिता आकर जो गले लगाता है, चूमता है, क्या उसको नौकर और मजदूर के समान रखने का इंटरेस्ट है उसका बाप का? बिल्कुल नहीं है। यह चीज यह दर्शाता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, कान खोल कर सुन लीजिए, परमेश्वर अपने राज्य में हमको मजदूर के समान, बंधुआ मजदूर के समान वाला मेंटालिटी के साथ में नहीं रखना चाहता है। वो मेंटालिटी, वो सोच विचार रहेगा, आप उसके राज के अंदर में रहेंगे लेकिन बेनिफिट नहीं पाएंगे सोच विचार के कारण से। सिंपल। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि सोच विचार को बदलें। अगर हम उसके, हम नया जन्म भी पा गए हैं, उसका पुत्र कहलाते हैं एक्चुअली, लेकिन हरकत कैसे है, बंधुआ मजदूर के समान। यहां पर बिल्कुल पिता का इंटरेस्ट नहीं है कि उसको मजदूर के समान रखे। देखते हैं नीचे पढ़िए, देखिए, देखेंगे आप। यानी परमेश्वर बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है किसी को उसके राज्य में बंधुआ मजदूर के समान रखे। पिता का इंटरेस्ट है कि मैं राजा हूं, मेरा बेटा समान रहे, वरन राजा के समान रहे। प्रेज लॉर्ड। अब यह मेंटालिटी उसको उस घर में ठीक से पोजीशनिंग देने नहीं पाएगा, पिता को मालूम है। इसीलिए वो पिता ये सोच विचार जो है उसके अंदर में, जो रद्दा चढ़ गया है, उसको मिटाने के लिए, उसको वाइप आउट करने के लिए, उसको दूर करने के लिए एक खास खास हरकत करता है, एक्शन करता है। वो खास हरकत पिता की तरफ से क्यों हुआ है, सिर्फ उसका दिमाग से पूरा मेंटालिटी को ठीक करने के लिए, क्योंकि मेंटालिटी इतना जल्दी ठीक नहीं होता है। सोच विचार ही गलत है तो इंसान कहां मूव करेगा, राइट डायरेक्शन में नहीं सोचता है तो आगे कैसे बढ़ेगा। तो आगे बढ़ने के लिए, है ना, पोजीशनिंग लेने के लिए उसका दिमाग को, जो जितना मेंटालिटी है, सोच विचार, वो सब चीज को, पुराना चीज को हटाना पड़ेगा। और हटाने के लिए पिता क्या करता है, देखिए क्या करता है, पढ़ेंगे। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला, वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। उसके पिता ने उस पर उसे देखकर तरस खाया, यस, क्योंकि कितना क्या हो कि कितना समय बर्बाद हो गया इस पोजीशनिंग में, पहला जो था उसमें, और अगर उसका सोच विचार बढ़े रहता तो और क्या कुछ किया रहता। हालेलुया। पिता का कुछ ख्वाहिश था उसके लिए, उद्देश्य था, वो उद्देश्य कितना साल पता नहीं घर से बाहर रहा है, लैप्स हो गया, तरस खाया, मेरा ही नुकसान हुआ ऐसा लग रहा है पिता को, तरस खा रहा है। आगे देखिए। और दौड़कर उसे गले लगाया हाँ? और बंधुआ मजदूर का कोई चूमेगा, पहला उसने चूमा, उसको गले लगाया, उसे चूमा, ये पहला एक्शन है जिसके कारण से उसका सोच विचार चेंज हो जाए। फिर पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। हाँ, ये मन फिरा रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन नौकर जैसे रहूंगा बोल रहा है, ये कैसे तो बोलेंगे बोलते हैं, लेकिन पिता का दिल ऐसा है, नौकर जैसे रखना ही नहीं चाहता है। आप आज जान लीजिए, मन फिराते हैं तो आप किंग का पोजिशन में जाइए सीधा, राजा रखेगा प्रभु, हाँ रखेगा, उसका इच्छा ही है, उसका इंटरेस्ट ही है। हालेलुया, प्रेज गॉड। यही तो हमारा पिता परमेश्वर राजाओं का राजा का खास बात है आपके लिए। पढ़ेंगे आगे। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर, अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालो ताकि इसका माइंड सेट चेंज हो जाए, उसे पहनाओ हाँ। और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ हाँ। और पला हुआ पशु ला कर मारो हाँ, एक ताकि हाथ में अंगूठी दे रहे, अंगूठी ताकि बैक उसका पोजीशनिंग में, बेटा लोगों को उस जमाने में अंगूठी दिया जाता था,
इस अंगूठी के विषय में पहले कुछ एपिसोड में मैंने बताया था, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, ओके, फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा। फिर बोलता है उसको जूते पहना बोल रहा है, क्यों मालूम, जो बंधुआ मजदूर लोग रहते थे मालिक के समान, वो लोग मालिक के सामने वो लोग जूता पहन के नहीं आते थे, खाली पैर आते थे वो लोग, उनको जूता पहनने का अधिकार नहीं रहता था। जूता पहना ताकि वो जाने कि तुम इस घर में मजदूर नहीं हो, बैक टू पोजिशन, बैक टू पेविलियन, क्योंकि मुझे बिल्कुल कतई इच्छा नहीं है कि मेरा संतान, मेरा बच्चा मेरे घर में मजदूर के समान रहे, बोल के सारा हरकत को कर रहे। आगे पढ़ेंगे क्या लिखता है, और पला हुआ पशु लाकर मारो। पला हुआ पशु मार कर ला, है ना, पला हुआ मतलब जो उन दिनों में यहूदी में क्या करते थे ना, खास मेहमान लोगों के लिए कुछ कुछ पशु को पाल पोस के बढ़ा करते थे, तगड़ा रखते थे, चर्बीदार, ताकि खास मेहमान लोगों के लिए उसको काटा जाए, वो वाला पशु को मारो बोलते थे। बोले फिर आगे, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे, वे आनंद करने लगे, प्रेज गॉड। अब देख रहे हैं, फिर आइए और एक कैरेक्टर को देख रहे हैं, बड़ा वाला बेटा, उसका कैरेक्टर क्या है, हम लोग पढ़ेंगे लुका रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 25 से लेके 32, यहाँ पर क्या लिखता है पढ़ेंगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। इसका सीन में एंट्री कैसे दिखा रहा है, उसका जेठा पुत्र खेत में था, इसका मतलब मेहनती था। हम लोग बहुत सारे लोग जेठा पुत्र के समान परमेश्वर के राज में खेत में है, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, ओके, लेकिन फिर भी इसमें कुछ सोच विचार में प्रॉब्लम है ना, ये कोई एरिया में सोच विचार में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, प्रभु ये सिखाना चाह रहा है इस दृष्टांत के द्वारा से। पढ़ेंगे, जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना, अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा यह क्या हो रहा है। उसने उससे कहा तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ पशु कटवाया है इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा। ओके, लैक ऑफ लव, ओके, उधार तो पा गए हैं बोलते हैं, लेकिन यहां पर इनके हृदय में देख रहे हैं अपने भाई के लिए, अरे इतना साल के बाद मेरा भाई कैसे दिख रहा होगा, चलो आ गया, कभी इंतजार नहीं कर रहा है ना। दो नागरिक रहते हैं हम लोग, एक नागरिक भटक जाता है, गिर जाता है, अच्छा हुआ वो सोचते हैं हम लोग, ये ऐसे सोच रहा है, ये किस प्रकार का सोच विचार है, ये मेंटालिटी भी ठीक नहीं है परमेश्वर के राज के अंदर में। परमेश्वर के राज के अंदर में बहुत यीशु के पास में लोग आकर पूछे सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा क्या है, तो परमेश्वर ने कहा अपने परमेश्वर को पूरे दिल से, पूरे प्राण से, पूरे शक्ति से प्रेम कर, और उसके साथ में कहा अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, ये दो आज्ञा में सारा व्यवस्था पूरा हो जाता है। अब देखिए परमेश्वर का राज्य में है, पुत्र बना है, लेकिन हार्ट क्लियर नहीं है, हार्ट क्लियर नहीं होने के कारण से एक रेवलेशन की घटी कमी है। कौन सा एक खास रेवलेशन की घटी कमी है इसके जीवन में, आइए देखते हैं। हार्ट क्लियर नहीं है ना, इसलिए रेवलेशन नहीं आ रहा, मैं पहले भी टीच किया हूं, हृदय ठीक नहीं रहेगा, कड़वाहट रहेगा, प्रकाशन नहीं आएगा। आगे पढ़ेंगे, यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, सेवा कर रहा हूँ बोल रहा है तेरा, फिर तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। हाँ, अपने मित्रों के साथ आनंद करना करता, बकरी के बच्चा नहीं दिया तूने बोल रहा है, इसका मतलब कुछ आनंद वो मना सकता था और उसके लिए बंधन नहीं था, लेकिन रेवलेशन का घटी कमी के कारण से, प्रकाशन का घटी कमी के कारण से आज्ञा पालन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, आनंद नहीं है, आनंद मना था, मेरे मित्रों के साथ आनंद मना था, तो कुछ चीज से बेनिफिट से वंचित हो रहा है, क्यों, क्योंकि उसका हार्ट क्लियर नहीं था, वो दिखाई दे रहा है, उसका भाई जब लौट रहा है तो कैसे है उसका हार्ट, क्या ये मेरा छोटा भाई कहां चला गया, बल्कि खोजने जाने वाला सीन तो नहीं दिखाई दे रहा है यहां पर, क्या खोजने के लिए जा नहीं सकता था, हो सकता था, दृष्टांत है, बहुत सारी चीज हम समझ सकते हैं इसके द्वारा से, खोजने की कोशिश, अगर खोजने की कोशिश किया रहता ना
मैं बोल रहा हूं डैम श्योर, इसमें घटना ऐसे रहता है, अरे मेरा भाई आ गया जिसको खोज रहा था मैं, खोजा ही नहीं है वो, खोजा खोजने के लिए गया रहता तो पक्का यहां पर मेरा भाई आ गया, ये भी दौड़ के जाता उस पार्टी के अंदर घुसता, हालेलुया प्रेज गॉड, लेकिन खोजने के लिए नहीं गया था वो। आगे पढ़ेंगे क्या लिखता है, परंतु जब तेरा यह पुत्र आया जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, आया तो उसके लिए तूने पला हुआ पशु कटवाया। हाँ? उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है। पिता क्या बोल रहा है? पुत्र, पिता बोल रहा है, पुत्र सदा तू मेरे साथ में है, फिर और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। जो मेरा है सब कुछ तेरा है, बोलने का मतलब जो कुछ मेरा है तो तेरा है। तुमको बकरी का बच्चा के लिए तुम देता बोल के सोच रहे थे, तुमने अधिकार इस्तेमाल नहीं किया, मांग लेता ले जाता मैं छोड़ता, तेरा छोटा भाई जो किया उसको नहीं समझ में आया, जब उसको दे सकता हूं तुम तो मेरे साथ में रहेगा, बकरी का बच्चा एक ठो लेके अपने दोस्तों के साथ में पार्टी मनाएगा राज के अंदर में, मैं मना करता क्या? तो ये रेवलेशन का घटी था अधिकार के क्षेत्र में, अधिकार के एरिया में उसको रेवलेशन नहीं था, इसलिए बहुत सारे एरिया में हम लोग अधिकार जो हम लोग को अथॉरिटी जो इस्तेमाल करना चाहिए उसका प्रकाशन नहीं रहता है, क्यों? क्योंकि हार्ट क्लियर नहीं रहता है, तब रेवलेशन नहीं मिलता है, उसने आनंद ही नहीं मनाया तो वो आनंद से वंचित है, अपने आप को कुड़ रहा है, तो ये भी संतुष्टि नहीं जी रहे के रूप से नहीं जी रहा है, कहां राज के अंदर में कुछ संतुष्टि तो है लेकिन कुछ एरिया में नहीं है, वंचित हो गया ऐसा लग रहा, प्रेशर लग रहा है, प्रेशर वेशर नहीं देना चाहता है पिता परमेश्वर। वो राजा क्या बोलता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं सदा आनंदित रहो, ऐसे कहने वाला व्यक्ति यहां पर आनंद का माहौल को में लेकर आता है छोटे बेटे के लिए, तो क्या बड़ा बेटा के लिए आनंद का माहौल नहीं देना चाहता, लेकिन कभी आनंद नहीं मनाया प्रकाशन का घटी के कारण से। आगे क्या लिखता है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है, खो गया था अब मिल गया है, प्रेज गॉड। तो ये है उड़ाव पुत्र का घटना जिसमें हम लोग ढेर सारे बातें सीखने को पा रहे हैं, हालेलुया। तो हम लोग जो संडे स्कूल में इसको पढ़े थे, हमें सिखाया गया था कुछ ही बातों को सिखाया गया था, लेकिन ये मसीह लोग जो लोग यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं उनके लिए लिखा गया है, और अगर हमारा माइंडसेट ठीक नहीं है तो हम लोग परमेश्वर के राज्य में हम लोग ठीक पोजिशन में हर एक आनंद को उठा नहीं सकते हैं, कुछ को उठा सकते हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ से वंचित हो जाएंगे हम लोग, जैसे कि बड़ा वाला बेटा आज्ञा पालन कर रहा है, सेवा कर रहा है, लेकिन फिर भी कुछ आनंद से वो वंचित हो गया है। बड़ा वाला बेटा, छोटा वाला बेटा, वो क्या करता है, धन संपत्ति को जो भी उसको अधिकार से मांगने जानता है लेकिन इस्तेमाल करने नहीं जानता है। फिर उसी घर में हम लोग देखते हैं नौकर लोग रहे, रोटी खाया रहे वो लोग, यानी उनको पुत्र का स्थान देने का दिया गया है लेकिन वो लोग पुत्र के स्थान का मेंटालिटी में नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज आपको सोचने की आवश्यकता है कि आप कौन सा सोच विचार में, आपका सोच विचार परमेश्वर के राज के अंदर में आपको पोजीशनिंग देगा, आपका सोच विचार परमेश्वर के राज के अंदर में आपको आनंद देगा, हालेलुया, अब बेनिफिट्स देगा। इसलिए उसके राज और धार्मिकता की खोज करो, तब तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएंगी, आत्मिक धरोहर और लौकिक धरोहर दोनों। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए अपने आप को चेक करके देखिए मेंटालिटी, सोच विचार किस तरह से है। ये परमेश्वर के राज के लोगों के लिए लिखा गया है ये दृष्टांत। प्रभु इस वचन के द्वारा से आप सबको बहुत अधिकाई से आशीष दे, प्रभु आशीष करें, आमीन आमीन। प्रार्थना करते हैं, सर्वशामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज के इस दिन के में परमेश्वर पिता, इस उड़ाव पुत्र के घटना में से प्रभु जी आपने बहुत बारीक तरीके से प्रभु जी बहुत सारे बातों को आपने सिखाया। लॉर्ड हमें प्रभु परमेश्वर का सोच विचार को बदल प्रभु जी, एक राजा का सोच विचार दे प्रभु जी, एक राज का नागरिक का सोच विचार दे प्रभु जी, और अधिकार के विषय में हमें हमें जानकारी दे प्रभु परमेश्वर पिता, सच्चाई हमारे बीच में प्रकट होने पाए ताकि प्रभु जी हम और स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने पाए प्रभु जी, और तेरे राज के अंदर में भरपूरी का आनंद उठाने पाए, इस संसार के सोच विचार के अनुसार नहीं परंतु प्रभु जी हम तेरे राज के सोच विचार और मेंटालिटी में हम लोग बढ़ने पाए। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए, आमेन। प्रेज गॉड, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, निश्चय हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए, आने वाले दिन में और ढेर सारी बातों को सीखने के जा रहे हैं इस सीरीज में, प्रभु आप सबको अधिकाई से आशीष करें, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।